अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। आज जी मैं रमजानुल मुबारक के मुनासबत से बहुत ही अमेजिंग जो है वो अफ्तारी की जो है वो रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं थ्रेड चिकन। बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार रेसिपी जो है मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक किलो जो है वो चिकन बोनलेस ले लिया है और इस तरह से इसको जो है वो बोनलेस चिकन को लंबे लंबे पीसेस में आपने कटिंग करवा लेना है। साथ हम इसमें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के साफ हाथों की मदद से एक अदद अंडा जो है वो मिक्स कर देते हैं जी। और अंडा जो है वो मिक्स करने के बाद सबसे पहले इसको हम इस तरह से अंडे को चिकन में मिक्स करेंगे ताकि इक्वली जो है वो लग जाए अच्छी तरह से। और फिर हम इसमें डालेंगे जी लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो है वो पेस्ट हमने बनाया है वो इसमें डाल के इसको भी हम इसको हल्के हाथों की मदद से इसको भी मिक्स करते हैं। तो अब जाएंगे जी जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो मसाला जात, इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, नमक, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर। ये सब जी हसबे जायका है, इसको भी हम हल्के हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स कर लेंगे डालने के बाद। और इसके बाद हम चिकन में डालेंगे जो मेन इंग्रेडिएंट है जो जिससे ये क्रिस्पी बनेगा और इसका टेस्ट बहुत ज्यादा जो है वो बेहतरीन बनेगा, वो होगा जी 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें कॉर्न फ्लोर का पाउडर डालेंगे। ये देखिए, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डालकर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा जो है वो लेमन जूस, जो 2 अदद लेमन जूस है वो भी आप डाल सकते हैं, चाहें तो थोड़ा सा जो है वो सिरका भी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, तो ये ऑप्शनल है जी। ये देखिए, इसको जो है हमने अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लिया है। अब हम इसको जो है 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है जी। तो चिकन मैरिनेट करने के लिए जो है वो होने के लिए हमने रख दिया है। तो अब हम इसके जो है वो थ्रेड्स बनाते हैं। तो इसी तरह से आपने जो बाजार से आसानी से जो है वो समोसा पट्टियां जो है वो मिलती हैं वो आपने ले लेनी है। इस तरह से आपने उसको करने के बाद फोल्ड तो इस तरह से कर लेना है और इस तरह से करने के बाद आपने उसको इस तरह से इस शेप में जो है वो करके, तो इसके जो है हम साफ सीजर की मदद से ये देखें इसके जो है वो एक ही जितने जो है हम थ्रेड्स की जो है वो कटिंग कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपकी रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही न्यू स्टाइल में है। इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह आपके जो मेहमान हैं या जिसको भी आप खिलाएंगे वो आपकी बहुत तारीफ करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको जो है वो चिकन थ्रेड की रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। बहुत कम से कम इंग्रेडिएंट्स में मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। इसी तरह से जो है हम इन पट्टियों के भी जो है सेम इसी मेथड से जो है वो इनके भी इस तरह से ये देखें थ्रेड्स जो है वो रेडी करते हैं जी। तो ये देखें माशाल्लाह से चिकन भी मैरिनेट हो चुका है और थ्रेड्स जो है वो हमने ये देखें तैयार कर लिए हैं समोसा पट्टी के। तो अब आपने जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इस तरह से जो है वो आपने थ्रेड्स को जो है इस तरह से फैला देना है और इसके ऊपर जी हम इस तरह से चिकन जो है वो हमने रखे। तो ये देखें इस तरह से इसको इकट्ठा कर देना है, ये देखें और ये देखें इसको एक जो है वो प्रॉपर शेप जो है वो दे देनी है, ये देखें ये देखें। इसी तरह से हम जो है वो तमाम जो है वो चिकन थ्रेड्स रेडी करते हैं। देखें आपको एक और दिखा देते हैं, ये देखें इस तरह से आपने इनको लंबाई में थोड़ा करके तो इसके ऊपर आपने ये देखें चिकन का पीस लेना है और इसको ये देखें इसको इस तरह से इस पर फोल्ड कर देना है, ये देखिए। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, जब आप चिकन को जो है वो लगाएंगी तो ये देखें थोड़ी देर के बाद ये खुद ही जो है वो इकट्ठा होना शुरू जो है वो हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा जो है वो इसको इस तरह से प्रेस करते जाना है और ये देखें और ये देखें। आप चाहें तो थोड़ा सा गीले हाथों की मदद से इसको जो है वो शेप जो है वो जब आप कढ़ाई में डालेंगे तो तब आप गीले हाथों की मदद से इसको शेप देते जाएं और इसको कढ़ाई में कन्वर्ट करते जाएं। तो इसी तरह से हम सब के सब रेडी कर लेते हैं जी। तो व्यूवर्स ये देखें माशाल्लाह से सेम शेप में जो है हमने चिकन थ्रेड जो है वो रेडी कर लिया है। तो अब इसको फ्राई करते हैं
जी तो व्यूवर ये देखें, इसको हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे, इसको हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे क्योंकि चिकन जो है वो इसमें उसको अभी पकना है। ये देखें इसी तरह से हम जी तो व्यूअर्स अब हम इनकी साइज जो है वो भी चेंज करते हैं, दोनों साइडों से इनको जो है वो इक्वली जो है वो कुक करते हैं। आप प्लीज अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी जो है ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। बहुत ही आसान और बहुत ही जो है वो अमेजिंग और न्यू स्टाइल में जो है ये रेसिपी है। इंशाल्लाह ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और खाने में भी बहुत जो है वो मजा देंगे। ये देखते हैं इनको जो है आपने हल्की आंच पर जो है आप इसको पकाएं ताकि इसका जो है वो चिकन जो है वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए और ये क्रिस्पी भी बन जाए। जी दोनों साइडों से हम इसको मीडियम फ्लेम पर 5-5 मिनट तक कुक करते हैं। जी तो व्यूअर्स अब हम इसकी दूसरी साइड से इसकी साइड चेंज करते हैं, दूसरी तरफ से भी। ये देखिए माशाल्लाह से ये गोल्डन जो है वो होना शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ये क्रिस्पी और क्रंची जो है वो हो चुके हैं। तो अभी हम इसको इस साइड से मजीद 1-2 मिनट कुक करते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स माशाल्लाह से फ्रेश चिकन जो है रेडी है हमारा, और आप अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। आपसे इजाजत लेते हैं, फी अमानुल्लाह।